मुख्यमंत्री ने 16 इंजीनियर्स को किया सस्पेंड। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन का बड़ा बयान, गोंडा के सीएमओ कांड पर बोले हसन, जल्द ही करेंगे पूरे मामले का भंडाफोड़। बीएसपी के राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी का विवादास्पद शर्मनाक बयान, कहा मोबाइल फोन देने से बिगड़ जाती हैं लड़कियां, महिला आयोग ने बयान को बताया अशोभनीय। रुड़की में डेंगू का कहर जारी, एक और शख्स की मौत, अब तक 34 लोग आए डेंगू की चपेट में। हरिद्वार में आज आधी रात बाद बंद हो जाएगी गंग नहर, दिल्ली और एनसीआर समेत कई इलाकों में होगी पानी की किल्लत। फैजाबाद की देवकाली मंदिर से चोरी हुई कुल देवी की मूर्ति बरामद, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी में दिखाई सुल्तानपुर के ब्लॉक प्रमुख के गुर्गों ने दबंगई, पहले एसओजी सिपाही को गाड़ी से मारी टक्कर, फिर पिस्तौल छीनने का किया प्रयास। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी मोहम्मद फसीह आया गिरफ्त में, बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के धमाके और दिल्ली के जामा मस्जिद गोलीबारी कांड में आरोपी है फसीह। और पंच तत्व में विलीन हुए यश चोपड़ा जी, अंतिम विदाई के लिए उमड़ा बॉलीवुड, कल डेंगू से मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुई थी मौत। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां करीब महीने डेढ़ महीने तक शांत रहने के बाद आरक्षण की आग एक बार फिर धधकने लगी है। दरअसल 20 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में एक्स कैडर को खत्म करने का फैसला किया गया, जिसके बाद असंतुष्ट कर्मचारी फिर से सड़कों पर उतरने की कवायद में जुट गए। इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं दिल्ली में, इसके अलावा देहरादून में हमारे साथ प्रकाश पंत जी हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, डीसी नोटियाल साहब हैं, आप कर्मचारी नेता हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देहरादून स्टूडियोज में। एक एक करके विस्तार से आपसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ये समझने की और जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो पैंतरा क्या है जहां पर पेंच फंसा हुआ है। जी हां, तो उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण की मांग कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने करीब डेढ़ महीने पहले एक्स कैडर का जो लॉलीपॉप दिखाया था वो अब उनसे छीन लिया गया है, जिसको लेकर आरक्षण समर्थन नेताओं ने एक प्रतिनिधि आरक्षण समर्थक नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विजय भगोड़ा से मुलाकात की और अपनी मांगे रखी। कभी आगे कभी पीछे चलना सियासतदानों का पुराना अंदाज है और इसी अंदाज से जुटाए जाते हैं वोट, लेकिन किसी भी सरकार के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि एक साथ दोनों पक्षों को खुश रखा जाए, लिहाजा कभी एक खुश तो दूसरा नाराज, तो कभी पहला नाराज तो दूसरा खुश, कुछ ऐसी ही गुत्थम गुत्थि दिख रही है उत्तराखंड में, जहां एक्स कैडर बहुगुणा सरकार के गले की फांस बनती नजर आ रही है। दरअसल बीते अगस्त महीने में दो पक्ष सड़कों पर उतरे, एक पक्ष वो जो चाहता था कि सरकारी नौकरियों में होने वाले प्रमोशन में आरक्षण मिले, तो दूसरा वो जो चाहता था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाए। मामला आला अदालत से जुड़ा था, लिहाजा किसी भी सरकार के लिए सीधे सीधे कुछ भी फैसला करना मुश्किल नजर आ रहा था। उधर टिहरी लोकसभा उपचुनाव भी सिर पर थे, उधर इसी पशुपेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी रोक लगी हुई थी, तो लंबे अरसे से ठप पड़े प्रमोशन को बहाल करते हुए 3 सितंबर को बहुगुणा सरकार ने एक्स कैडर का फंडा इजाद किया, जिसके तहत फौरी तौर पर प्रमोशन में आरक्षण की मांग करने वालों को संतुष्ट कर दिया गया। आंदोलन कमजोर होने लगा, हड़ताल समाप्त होने लगी, चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए, सब कुछ शांतिपूर्ण
लेकिन 20 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि साहब एक्सकैडर का फंडा आधारहीन है, जिसके बाद तय हुआ कि इस कैडर को खत्म कर दिया जाए। बस फिर क्या था, आग फिर से सुलगने लगी। जो संतुष्ट नजर आ रहे थे वो हल्ला मचाने लगे, दोबारा सड़कों पर उतरने लगे। एक्सकैडर धोखा धोखा है ये। एक बार आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं, आपने कोई अंतरिम व्यवस्था करी, हम गए उनके पास, हमने कहा भाई ये ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है, उनने कहा कि हम एक ये हमारी अपनी व्यवस्था, हम अंतरिम व्यवस्था कर रहे हैं और जब तक हमारी आई की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम एक्सकैडर लागू करेंगे। अगर आई की रिपोर्ट आ जाएगी उसमें देखा कि आपका प्रतिनिधि कहीं कम है फिर से वही व्यवस्था बहाल की जाएगी। ऐसे में जब सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होने लगा तो ठीकरा इरशाद आयोग के सिर फोड़ा जाने लगा। वही इरशाद आयोग जिसका गठन इसलिए किया गया था ताकि एक्सकैडर की वैधानिकता को पुख्ता किया जा सके। उत्तराखंड की सरकार ने एक एक्सकैडर की व्यवस्था करके एससी वर्ग को अलग से पद सृजन करने की बात कही। इरशाद हुसैन साहब का कहना है कि एक्सकैडर में पदों का सृजन किया जाना या एक्सकैडर की व्यवस्था संवैधानिक नहीं है। अभी आरक्षण के बारे में उन्होंने पूरी रिपोर्ट नहीं दी है, वो रिपोर्ट वो 2 माह के अंदर देंगे। सुना आपने, लेकिन विपक्ष ने इसे सरकार की वोट जुटाव नीति करार देते हुए जनता से दगाबाजी का आरोप मढ़ दिया। टिहरी चुनाव और राजनीतिक फायदे के लिए सरकार ने जो कर्मचारियों में दरार डाली है वो दरार अभी पटने वाली नहीं है। इसके लिए सब समझदार लोगों को, सोचने विचारने वाले लोगों को बैठना पड़ेगा और बैठ के ये दरार पाटनी पड़ेगी। अब एक्सकैडर की जुगत राजनीतिक चाल थी या प्रशासनिक, इस पर तो हमारे लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। अलबत्ता देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो आग सुलग रही है इसे बुझाने के लिए अब बहुगुणा सरकार कौन सा पैंतरा अपनाती है। पदोन्नति में आरक्षण का भूत राज्य सरकार का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने टिहरी उपचुनाव से पहले आरक्षण पक्षधर और आरक्षण विरोधी कर्मचारी संगठनों में सामंजस्य बिठाने के लिए एक्सकैडर बनाया था, लेकिन अब उसे सरकार ने खत्म कर दिया है, जिससे आग बबूला आरक्षण समर्थक कर्मचारियों ने सीएम से मिलकर अपना आक्रोश जता दिया है। मतलब साफ है कि आरक्षण का मुद्दा आसानी से शांत होने वाला नहीं है। कैमरामैन विजेंद्र तुली के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। चलिए सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं। हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए श्री प्रकाश पंत जी हैं, कांग्रेसी नेता श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, कर्मचारी नेता डीसी नौटियाल जी हैं। अग्रवाल साहब, मैं सीधा आपसे पूछूंगा, जैसा इरशाद आयोग पहला, पहला निशाना मैं निशाना नहीं, माननीय आप तो आदरणीय मेहमान हैं और अतिथि देवो भव, मैं इसको पूरी तरीके से पालित करता हूं और आप देवभूमि में बैठे हुए हैं तो मेरे लिए देव से कम नहीं है। नहीं नहीं ऐसा ना कहें जी, मेरे देव आप भी हैं जी। मुझे बताइए, इरशाद आयोग ने जब ये कहा कि साहब ये जो एक्स कार्डर को प्रमोशन में आरक्षण देने की जो बात थी ये असंवैधानिक है, तो फिर 3 सितंबर को पूर्व न्यायविद मुख्यमंत्री जी ने इस असंवैधानिक चीज को, व्यवस्था को लागू कैसे कर दिया? देखिए, स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र में जो लोगों को समझाने का दायित्व सरकार को है उस आधार पर एक रास्ता निकालने का प्रयास एक न्यायिक आयोग बनाकर किया था और उसके पीछे मंशा निश्चित रूप से यह रही कि यदि कोई संवैधानिक हल निकल सकता हो कर्मचारियों के हित को देखते हुए तो निकाला जाए। ठीक है, और मैं समझता हूं लोकतंत्र में संवाद बनाकर संवेदना प्रकट कर रास्ता निकालने का प्रयास हमेशा समस्या के समाधान की दिशा में चलते रहना चाहिए। जी, गोल गोल बातें हो रही हैं। प्रकाश पंत साहब, जब मामला असंवैधानिक है तो ऐसी व्यवस्था एक पूर्व न्यायविद मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब आई तो उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने थे और वही उठ रहे हैं, क्या जल्दबाजी होगी सरकार से? नहीं देखिए, 5 तारीख को जब ये शासनादेश निकले और 3 शासनादेश एक साथ निकले, हाँ, हमने उसी दिन संशय जताया था। हमने कहा कि ये जो आदेश आप निकाल रहे हैं, मैं आप कहेंगे तो मैं उस आदेश को आपके सामने पढ़ के बताऊंगा, उसमें स्पष्ट रूप से एक इतने त्रुटिपूर्ण वो आदेश निकला है, वो शासनादेश है, शासन का आदेश है, और उस आदेश में इन्होंने तीनों आदेशों में एक तरह से तुष्टीकरण का रास्ता खोला और इन्होंने प्रयास किया कि हम जो
आरक्षण समर्थक हैं कर्मचारी उनको भी खुश करने का प्रयत्न करें और जो आरक्षण की पदोन्नति पर आरक्षण की खिलाफत कर रहे हैं कर्मचारी उनको भी खुश करने का प्रयास करें। और तीनों ही आदेश उन्होंने, जिसमें से एक आदेश तो ये था कि इन्होंने पदोन्नति पर आरक्षण माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए समाप्त कर दिया। दूसरा आदेश ये था कि जितने आरक्षण के पद हैं उन आरक्षण के पदों को के समतुल्य हम एक्स कैडर पद सृजित करने का आदेश ये देते हैं। हाँ। और उस आदेश को, मतलब ये एक ऐसा हास्यास्पद आदेश था जिस आदेश पर इन्होंने कहा कि ये स्वतः सृजित समझे जाएंगे। हाँ। पद सृजन की एक अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो पद सृजित होता है। हाँ। मैं राज्य के जो अपने पदों के ढांचे के आपका जिक्र करना चाहूंगा, कुल 2,10,000 पद हमारे पास सृजित हैं। इन 2,10,000 पदों में से 33,900 पद ऐसे हैं जिनमें पदोन्नति होगी और इन 33,900 पदों में से 3,050 पद ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के रोस्टर के अंतर्गत आएंगे और 900 के लगभग पद ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति के रोस्टर के अंतर्गत आएंगे। अब ये कुल मिलाकर के अगर इस फिगर को आप देखते हैं तो हमें, अगर ये एक्स कैडर की बात करेंगे तो एक्स कैडर में हमको 3,900 पद के लगभग लगभग सृजित करने पड़ेंगे और जो ये एक अपनी प्रक्रिया से होकर के गुजरेगा। इस प्रक्रिया को ये निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण और ये एक तरह से तुष्टीकरण करने का, और चुनाव से पूर्व इन्होंने सोचा था कि हम इसका लाभ चुनाव में ले सकें, लेकिन ये उल्टा इनके ऊपर ये हथियार पड़ गया। ठीक है। और चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है और राज्य में इनकी सरकार है, इनको मामला सुलझाना चाहिए। नौटियाल साहब, आपकी रिएक्शन। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि इंदिरा साहनी केस में भी नियुक्ति में कहीं प्रमोशन का आरक्षण को संवैधानिक माना गया है। हाँ। लेकिन पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समानता के आधार पर उन्होंने भी इसको नहीं माना था। ठीक बात है। उसके बाद नागराज का जो फैसला आया उसमें भी पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और हाईकोर्ट ने भी यहां पर नैनीताल से भी ये फैसला हमारे पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में आया था। हाँ। जिसमें उन्होंने प्रमोशन की धारा 3/7 जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था देती है सरकार को, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। उसके बावजूद भी एक्स कैडर की व्यवस्था करके एक पैरेलल ऐसी व्यवस्था यहां पर खड़ी कर दी थी जिससे पूरी व्यवस्था खराब हो गई थी। और मैं सोचता हूं इसमें हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को जो समझाया गया और ऐसी एक्स कैडर की व्यवस्था यहां पर बना दी गई, जो समानांतर 3/7 की जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की जो मंशा थी कि ये पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो, तो इस 3/7 को पुनः उस एक्स कैडर के माध्यम से इसमें पुनः इसमें प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक बात है। इसकी वजह से कर्मचारी समानता। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास मैं चलूंगा। मुझे बताइए, क्या ये वाकई बहुत जल्दबाजी भरा फैसला था? क्या इस फैसले पर और सोचा जाना चाहिए था? क्योंकि माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3/7 की व्यवस्था का जिक्र नौटियाल साहब कर रहे हैं, जब वो समझाई है तब प्रशासनिक अधिकारियों के बरगलाने पर एक समानांतर व्यवस्था को लागू करके क्या शासन स्तर पर जल्दबाजी हुई है? देखिए, एक तो मैं ये बात कहूं सैद्धांतिक कि दांव सही बैठे तो श्रेय राजा का, दांव खराब बैठे तो ठीकरा फोड़ो एडवाइजर के सिर, बाबू के सिर, चपरासी के सिर, खानसामा के सिर, ड्राइवर के सिर, माली के सिर, ये नहीं चले, ये ठीक नहीं। हाँ, हाँ। नेतृत्व तो जो करे वह यश और अपयश दोनों का जिम्मा ले, ठीक है, ये मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। मैं याद दिलाऊं प्रकाश पंत जी और अग्रवाल साहब दोनों को, इस देश के मानस को समझिए। एक समय आया जब इस देश में गणित के तौर पर कागज पर हिसाब लगाएंगे तो लगेगा कि इससे बेहतर दांव नहीं। वक्त आया कि भाई शाहबानो केस के फैसले को लोकसभा ने पलट दिया, तो हुआ कि इसकी प्रतिक्रिया होगी, क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया होगी, केमिकल फॉर्मूला समाज का भी होता है। तो हुआ कि राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, ताला भी खुल गया। सोचा यह गया कि राम मंदिर का ताला खुलने से ये 83% खुश और अल्पसंख्यक खुश, पहले शाहबानो केस को पलट देने से 17% खुश, 83 और 17 100 साल तक राज, 100 में 100 मिले। क्या निर्णय आया जनता का? इसलिए मैं कहता हूं जो लोग सत्ता में बैठे वह न्याय की बात करें,
खुशी और नाराजगी का सवाल नहीं, संतुलन का सवाल नहीं है ये। संविधान एक मर्यादा की रेखा खींचता है, उसका पालन क्यों नहीं हो? और आज जो चीज असंवैधानिक हो गई वो 15 दिन पहले संवैधानिक कैसे हो सकती थी? ये कोई सब्जी है कि आप खराब हो गई, फ्रिज में नहीं रखी थी? जो व्यवस्था आज असंवैधानिक हुई और जिस इर्शाद